तो अभी क्या है, अपन प्लान कर रहे हैं एक लॉन्ग राइड, क्योंकि 26 जनवरी का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। एंड वैसे तो अपना ड्रोन भी इंतजार में है कि कब इसको बाहर लेके जाए। ऑल राइट गाइस, तो दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे। ये खड़ी अपनी बाइक, कल अपना ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था। कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपना नया टायर, अब जला के दिखाता हूँ मैं आपको अपनी प्रोग्रेस का। थ्रो तो भाई, ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। टाइम तो वैसे 1 बज रहा है पर मेरी मॉर्निंग हो रही है तो मैं आप लोगों को भी मॉर्निंग विश कर रहा हूँ। तो आज दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड ब्लॉग ऑफ 2024। बाकी जो भी पीछे ब्लॉग आपने देखे वो हांगकांग वाली सीरीज, वो दिसंबर में रिकॉर्ड हुई थी, धीरे धीरे उसके ब्लॉग आए। तो हांगकांग की सीरीज कैसी लगी, अब तक देखी या नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसे लग रहे हैं आपको ब्लॉग्स। यार कमेंट जरूर किया करो, अब तक शेयर नहीं किया शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना कर सकते हो सब कर लो। चैनल पर रीच बनी रहनी चाहिए भाई लोग, सपोर्ट बनाते रहो। तो अभी क्या है, अपन प्लान कर रहे हैं एक लॉन्ग राइड, क्योंकि 26 जनवरी का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। तो बढ़िया सी राइड करेंगे, एक विंटर वाली, एक्सट्रीम विंटर राइड होने वाली, क्योंकि भाई साहब बहुत ठंड है। आज बाहर धूप निकली हुई, अभी आपको दिखाते हैं बालकनी से, बट फिर भी टेम्परेचर अभी भी 17 डिग्री हो रखा है और 17 डिग्री में भी हाथ नम पड़ रहे हैं मेरे। बालकनी का गेट खोल के खड़ा हुआ हूँ मैं, हाथ लिटरली नम हो रहे हैं मेरे। तो इंपॉर्टेंट काम में क्या करना है, एक तो बाइक का फ्रंट टायर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो मैंने उसको तो कल चेंज करवा दिया है। नीचे चल के आपको दिखाते हैं कौन सा टायर है, कितने का पड़ा, सब आपको डिटेल में बताते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो मेरी फॉग लाइट्स, जो मेरी SJG LED 4 LED लाइट्स लगी हुई हैं, उनके जो येल्लो कवर थे वो कहीं एक एक करके गिर गए दोनों। तो अभी क्या है, वो व्हाइट लाइट है और व्हाइट लाइट फॉग में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। व्हाइट लाइट अगर आप ना जलाओगे तो आपको बेटर विजिबिलिटी होगी, अगर आप जला दोगे तो आपकी विजिबिलिटी और कम हो जाएगी। ये आप जितने भी बाइकर्स हैं या जो भी कार्स वगैरह ड्राइव करते हैं सबको पता है व्हाइट लाइट के साथ क्या होता है फॉग में। तो अभी हमें चलना है गुप्ता बाइकिंग गियर्स, वहां से हम लेके आएंगे उन फॉग लाइट्स के येलो कवर। और एक और काम मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, जो फॉग लाइट्स का है, जब से मैंने ये जो ADP वाला क्रैश गार्ड लाया था ये थोड़ा नीचे प्लेस्ड हो गई थी, क्योंकि और कहीं उससे ऑप्शन मिल नहीं रहा था लगाने का उस टाइम में, बट मैं सोच रहा हूँ उनको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करने के लिए, ताकि उनका जो फोकस है थोड़ा दूर जाए, थोड़ा लंबा जाए, क्योंकि अभी ना वो फोकस काफी पास गिर जा रहा है, और अगर ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो फिर वो सामने वाले को जाके बहुत ज्यादा परेशान करेगी, और रोड पर फोकस कम होगा सामने वाले पे ज्यादा होगा। तो ट्राई करेंगे, अगर हो पाती है तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस करेंगे लेग गार्ड पे, ताकि थोड़ा अच्छा फोकस जाए। वैसे तो मैं एक और पेयर इंस्टॉल करने का सोचा था, बट मैं नहीं चाहता कि बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लगी हुई है यही 60 वॉट्स की हैं। और मेरी बाइक में एक इशू आता है, जब भी मैं ये लाइट जलाता हूँ मेरी जो बाइक का डिस्प्ले है उस पर बैटरी का साइन आ जाता है, लो बैटरी। वो बैड लो बैटरी कभी हुई नहीं है, लेकिन वो शाइन हमेशा आता रहता है जब तक मैं फॉग लाइट जला के रखता हूँ। बंद कर देता हूँ 2-3 मिनट बाद वो गायब हो जाता है, जलाता हूँ फिर 4-5 मिनट जलती है और उसके बाद वही साइन आ जाता है, और वो कंटिन्यू जलता रहता है जब तक लाइट चलती रहती है। तो इसलिए मैं अपनी बाइक की बैटरी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक और पेयर नहीं डाल रहा हूँ। मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि एक लेग गार्ड की जो अपर पार्ट है उस पर एक पेयर और डाला जाए, बट लेट्स सी, इनको अभी पहले ऊपर शिफ्ट करके देखते हैं। अगर ये वर्क करती है तो नहीं डालेंगे, क्योंकि नई लाइट्स नई बाइक है ना, कुछ चल रहा है, समथिंग इज कुकिंग। साथ बने रहो, बहुत जल्दी आपको सब पता चलेगा। तो अभी चलते हैं नीचे, सबसे पहले खरीद के लाते हैं येलो कवर और आपको दिखाते हैं वो टायर जो हमने बाइक में डलवाया। तो बाहर देख रहे हैं अब धूप तो आ रही है, लेकिन भाई साहब ये धूप कोई असर नहीं कर रही है। एंड वैसे तो अपना ड्रोन भी इंतजार में है कि कब इसको बाहर लेके जाया जाए यार, लेकिन इस वेदर में ना अभी उड़ाने का मैंने एक दो बार ट्राई किया था, फुटेज दिखाऊंगा आपको या फिर इसके साथ एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा। फुटेज क्लियर आ ही नहीं है, बहुत ब्लर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉगी कंडीशन हो रखी है, तो इस वजह से कुछ खास आ नहीं पा रहा। थोड़ा वेदर क्लियर हो फिर इसको उड़ाएंगे तो आपकी अल्टीमेट फुटेज आप लोगों को दिखा सकें। ऑल राइट गाइस, तो ये लग गए अपने येलो कवर, ये खड़ी अपनी बाइक, दोनों तरफ हमने लगा दिए हैं। इनकी अगर कॉस्ट की बात करें तो ये हमें पड़े 450 रुपये का पेयर पड़ा है, पर ठीक है नई लाइट लेने से तो बेटर ही है। और ये है अपना टायर MRF जयपर 1917। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो ये मुझे पड़ा है 1750 रुपये का। ऑल राइट गाइस, तो ये लगी अपनी बाइक, और भाई साहब येलो कवर लगने के बाद ना इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा लगने लगा है। अभी ये जो लाइट है यहाँ पर लगी है, और आई एम प्लानिंग कि इनको थोड़ा ऊपर मूव करके यहाँ दिया है, इंडिकेटर के जस्ट नीचे रहेगी तो इंडिकेटर लाइट को ब्लॉक भी नहीं करेगा, और होपफुली इसका जो फोकस है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। एक बार येलो करूँ आपको जला के दिखा, भाई साहब क्या बेहतरीन रोशनी आ रही है। अब लेकिन इनको ऊपर करने में भी मैंने देखा एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें इनकी वायरिंग पूरी खोलनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा सही से कनेक्शन कहाँ पर है, उसके लिए कोई साथ में होना बहुत ज़रूरी है।
अकेले मैं खोल तो लूंगा लेकिन फिर वीडियो नहीं बन पाएगा, तभी यहाँ से मूव करके यहाँ आएगी और लाइट फिट ऑलमोस्ट ये रहेगी। तो ट्राई करेंगे एक बार, रुद्र को बुलाते हैं अगर, फिर करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे। ये खड़ी अपनी बाइक, कल अपना ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था तो आज इस ओपन स्पेस में आए जहाँ पर हमने पहले भी कुछ ब्लॉग्स बनाए हुए हैं अपनी बाइक के, तो क्योंकि पार्किंग में खड़ी करके थोड़ा बहुत बोरिंग हो जाता है यार एक ही चीज़ को दिखाना, तो सोचा बाहर आके दिखाते हैं। कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपना नया टायर, एक बार फिर से दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे से आपको, और फॉग लाइट्स येलो कवर के साथ। हो सकता है थोड़ी वर्ड्स की आवाज़ आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं यहाँ पे, अच्छी बात है ये हमारे नेचर के लिए। तो एक बार मैं आपको लाइट्स ना जला के दिखाता हूँ, बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी तो थोड़ा उसका भी साउंड आएगा, मेरे साथ बेयर करना उस चीज़ को। अरे गाइस, तो लाइट हो गई ऑन, अब थोड़ा काफ़ी डे लाइट हो चुकी है तो इतना आएगा नहीं क्योंकि अभी 8 बज रहा है भाई साहब, और लेकिन डे बाकी ज़्यादा रोशनी देख के लग नहीं रहा कि मतलब इतना दिन हो रखा है। तो भाई ये खड़ी अपनी बाइक, कैसी लग रही है? मुझे पर्सनली येलो कवर के साथ लाइट जलती है ज़्यादा अच्छी लगती है, बाइक लुक थोड़ा यूनिक सा आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है ऐसी। ऑल राइट गाइस, तो अभी टाइम की बात करी जाए हो रहा है 5:22 AM, और भाई साहब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को टेम्परेचर, 6 डिग्री है ये मेरी लोकेशन पे गाजियाबाद पे, और इट फील्स लाइक यू कैन सी 5 डिग्री। भाई साहब इतनी ठंड में भाई बाहर आया तुम लोगों के लिए ब्लॉग बनाने, और फिर भी अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं आ रहे ना, बड़ा ही दुख की बात है। इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनते हैं। फिर ऑलरेडी दिखा चुका था यार, ब्लॉग एंड कर चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जो लास्ट क्लिप रिकॉर्ड करी थी उसमें मैंने जो माइक लगा रखा था अपना आईफोन में, वो माइक ऑन करना भूल गया, तो भाई उसमें ऑडियो ही नहीं आई, और घर पे बैठ के मैं एंडिंग करना नहीं चाहता, सोचा बाहर चलते हैं आप लोगों को ज़रा फॉग लाइट का थ्रो भी दिखा देंगे नाइट में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाहर फॉग होगा तो फॉग में हमारी ये येलो फॉग लाइट कितना असर करती है ये मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा, बट लकली मेरे लिए अनलकली, बट अभी जिस तरीके से ठंड में लोग परेशान हैं उनके लिए तो लकली है, लकली 2 दिन से फॉग है नहीं यार, शहर में तो नहीं है, आउटर बाहर में होगा तो उसका मुझे पता नहीं क्योंकि बाहर में गया नहीं, बट शहर में नहीं है भाई। तो बाइक स्टार्ट करते हैं और अब जला के दिखाता हूँ मैं आपको अपनी फॉग लाइट्स का थ्रो, कुछ ऐसा थ्रो आ रहा है येलो लाइट के बाद, बढ़िया यार क्योंकि फॉग में यही काम करेगी, बट लेकिन बाइक दिखती बढ़िया है भाई साहब येलो लाइट के साथ। मैंने सोचा सुबह सुबह थोड़ा बाहर ही निकलते, थोड़ा पैक होने पड़ा, डबल जैकेट पहन रखी है, विंटर ग्लव्स, नीचे थर्मल, फिर जीन्स बूट्स सब प्रॉपर पहन के निकले भाई, क्योंकि 5 डिग्री फील्स लाइक है ना, तो आप समझ सकते हो कितनी ठंड होगी। और ये दिल्ली की सर्दी, वो गाना सुना ना आपने कि तड़पाए तरसाए रे दिल्ली की सर्दी, वो फॉर अ रीज़न है, दिल्ली की सर्दी अलग ही गलन वाली होती है, ऐसी गाना नहीं बनाया था, ऐसी चुभती है। मतलब अभी मैं 50-60 की स्पीड पर चल रहा हूँ लेकिन वाइज़र नहीं खोल सकता, वाइज़र खोलूँगा ना तो ऐसा लगेगा आँखों में कोई सुइयाँ चुबा रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। पर कोई नहीं यार, एंडिंग थोड़ा बाहर करने आया था, अभी बाहर लाइट्स भी है यार, कोई डार्क पैच दिखता है तो वहाँ पे आपको सही से दिखाते हैं इसका थ्रो, वरना तो फिर इस ब्लॉग को हमें यही एंड करना पड़ेगा ब्लॉग एंड कर लेते हैं, अगर मिलेगा और कोई अच्छा स्पॉट तो हम उसमें क्लिप ऐड कर देते, क्योंकि यार ज़्यादा दूर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठंड तो लग रही है और इसी चीज़ को दिखाना है सिर्फ, तो कहाँ कितना लंबा खींचेंगे ना लंबा जाके। भाई ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं फिर से ऐसी किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड होपफुली ये थोड़ा सा पैच है जिसमें लाइट कम है तो आई होप आपको लाइट का थ्रो अच्छे से दिख भी रहा होगा, सामने से कुछ नहीं आएगा, मैंने आईफोन से ट्राई किया था लाइट जला के लेने के लिए लेकिन कुछ नहीं आ रहा, यार बहुत तेज़ लाइट है यार इसमें क्या आएगा सामने से बाकी आप सामने वाली जो गाड़ी जा रही है उस पर थ्रो देख सकते हैं। राइट यार, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है मेरा फोकस थोड़ा सा ऊपर हो रहा है रोड के, वो तो जैसा मैंने आपको बताया है बिगनिंग में, क्योंकि इनको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं लाइट को, तब सेट कर लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ये काम भी हो जाएगा। वैसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, RS 200 हमारी कहाँ है? ध्यान दिया आपने? संडे राइड पर भी नहीं गई हमारी, दिखी नहीं उसके बाद, तो भाई एक छोटी सी ट्रेजेडी हुई है, छोटी नहीं बड़ी ट्रेजेडी है, अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन को रखना पड़ेगा करके ऑन, तभी आपको अगले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आएगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं फाइनल यहीं पे एंड, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सर्दी से बच के रहना।